हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज। राजस्थान के तीन मंत्रियों ने छोड़ा मंत्री पद, संगठन में काम करने की जताई इच्छा। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 21 को पूर्ण गठन की संभावना। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के तीन मंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश की। इनके इस्तीफे शनिवार को मंजूर कर लिए गए हैं। मंत्रियों का तर्क है कि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले को अपनाया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के शुक्रवार शाम को जयपुर पहुंचने के बाद तीनों मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी दी गई। सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचने के बाद कहा कि राजस्थान सरकार के तीनों होनहार मंत्रियों ने मंत्री पद पर छोड़कर संगठन में कार्य करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद इन तीनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने डोटासरा के मंत्री पद छोड़ने के संकेत दे दिए थे। वहीं दूसरी ओर अब नए मंत्रिमंडल पर शनिवार शाम को मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र का उत्तर प्रदेश दौरे से लौटने के बाद उनसे मिलकर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार 21 नवंबर को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। गहलोत सरकार के मंत्रियों के इस्तीफा के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डोटासरा और हरीश चौधरी ने शनिवार सवेरे मोटर गैरेज में अपनी सरकारी गाड़ियां जमा करवा दी। वहीं पीएम अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में अब 21 जगह खाली हो गई है। पहले सीएम सहित 21 मंत्री थे, लेकिन इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ये संख्या 18 रह जाएगी। अभी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ और मंत्रियों को हटाया जा सकता है। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।